हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के टोटल 100 क्वेश्चंस में से अकेले 20 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्राफ और टेबल की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस है उसके अंतर्गत मैथ से टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 प्रश्न अकेले प्रारंभिक अंकगणित से और बाकी के 20 प्रश्न जो कि ग्राफ और टेबल से पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से ग्राफ और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राफ से अकेले 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न में 5 प्रश्न होते हैं। इट मीन्स कुल मिला के 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक एक मार्क्स का होगा, मतलब ग्राफ से 10 मार्क्स और टेबल से भी इसी प्रकार 2 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के 5-5 प्रश्न। इस प्रकार ग्राफ और टेबल से मिला के कुल हो गए 20 प्रश्न। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम ग्राफ और टेबल से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सभी का प्रैक्टिस करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ ग्राफ के अंतर्गत भी 3 टाइप्स के ग्राफ हैं। पहला है लाइन ग्राफ या फिर लेख, दूसरा है पाई चार्ट और तीसरा है बार ग्राफ। एक चौथा भी आता है आयत चित्र, जो कि ऑलमोस्ट बार ग्राफ से ही रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसको एक ही मान सकते हैं। फिलहाल 3 ही मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं जो कि इस सिलेबस के अंतर्गत हैं और यही देखा गया है, पिछले साल भी इसी से संबंधित प्रश्न पूछा था, इसलिए इन्हीं तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन में फिलहाल हम पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। तो चलिए समझते हैं पाई चार्ट के बारे में कि पाई चार्ट होता क्या है और कैसे इन प्रश्नों को हल करते हैं। एक्चुअली जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पाई चार्ट क्या होता है, एक वृत्त होता है और इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया होता है और प्रत्येक हिस्सों को 2 तरह से बांटा जा सकता है, या तो उनको परसेंटेज के रूप में बांटा जाए या तो उनको डिग्री या फिर अंश के रूप में बांटा जाए। अगर परसेंटेज के रूप में बांटा जाता है तो कुल मिला के टोटल कितना परसेंट हो जाएंगे, अंदर टोटल 100% के पूरा योग, इनका कुल योग होगा 100। यदि डिग्री में बांटे जाएंगे तो कुल कितनी डिग्री होगा, कुल योग कितना होगा इनका, 360 डिग्री। और यदि डिग्री में दी हो तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है ये प्रश्न में हम समझ जाएंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि किसी भी पाई चार्ट में अगर उनकी वैल्यू अंश में दिया गया हो, अर्थात डिग्री में दिया गया हो, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू साइंस के लिए 36 डिग्री, इंग्लिश के लिए 72 डिग्री, फ्रेंच के लिए 108 डिग्री, मैथमेटिक्स के लिए 144 डिग्री। तो इनको चेंज करना हो अगर परसेंटेज में तो कैसे चेंज करेंगे, 36 साइंस में कितना है, 36 डिग्री, इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो कैसे करेंगे, 36/360। क्यों 360 क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत, इसके अंदर कुल कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इस सर्कल में कुल कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो इनको सबको अगर जोड़ेंगे 36, 72, 108 और 144, तो आप देखेंगे कि 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी में से तो एक हिस्सा है ना 36, किसका हिस्सा है, 360 का एक हिस्सा है 36। तो 36/360 मतलब 360 का एक हिस्सा है 36, हमको चाहिए किस में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो इससे हम सेंट मतलब 100 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, जो 10% वो आएगी परसेंटेज में। इसके विपरीत अगर हमको, अगर वैल्यू दी गई हो परसेंटेज में और उसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उदाहरण के लिए देखिए, ये वैल्यू दी गई है हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, स्पेनिश और लिटरेचर। तो हिस्ट्री की वैल्यू हम चेंज करते हैं किस में, डिग्री में। हिस्ट्री की वैल्यू कितनी दी गई है इस पाई चार्ट में, 26%। तो 26% को अगर हम अंश में, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 26% को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 26/26 कितना टोटल, इसमें कितने एंगल बन रहा है, कितने परसेंट बन रहा है टोटल, अगर जोड़ेंगे इन सभी को तो 100 ही तो आएगा, तो बटा टोटल इसका 100, और चाहिए किसमें, हमको डिग्री में चाहिए। तो डिग्री में कितना होता है, टोटल 360 होता है, तो 360 से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 93/5 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप कन्वर्ट करना समझ गए होंगे कैसे डिग्री को परसेंटेज में और परसेंटेज से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का भोजन, मकान किराया, शिक्षा, वस्त्र, ईंधन और विविध खर्च दर्शाया गया है। एक पाई चार्ट यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए स्क्रीन पे एक पाई चार्ट दिया है लेफ्ट साइड में, इससे संबंधित 5 प्रश्न दिए हैं, इन सभी को सॉल्व करना है हमको। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक पाई चार्ट दिया है, मकान किराया, वस्त्र, इनकी वैल्यू किस में दी है, इनकी वैल्यू दी है परसेंटेज में,
सबका, मकान किराया कितना 20%, भोजन कितना 30%, विविध कितना 5%, ईंधन कितना 15%, शिक्षा कितना 18% और वस्त्र कितना है 12%। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि भोजन पर खर्च 9000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। आपको बताना है यदि भोजन पर खर्च 9000 है तो शिक्षा पे खर्च कितना होगा। तो परसेंटेज में शिक्षा पे कितना खर्च है, शिक्षा में खर्च है 18% और भोजन पे खर्च कितना दिया है 9000, तो भोजन पे खर्च कितना है 30%। ये जो 30% है किसके बराबर है, 30% किसके बराबर है 9000 के, 30% किसके बराबर है 9000 के। अच्छा मैं एक चीज़ बताना आपसे भूल गया, इन सभी को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी का जो औसत है, औसत प्रतिशत, औसत प्रतिशत और अनुपात, इन तीन टॉपिक के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, जो मैथ्स के बेसिक्स हैं इनका, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ओके चलिए तो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा था, यदि भोजन पर खर्च 9000 है, भोजन पे खर्च कितना है 9000 है, तो आप देखिए भोजन पे खर्च कितना है 30%, ये 30% किसके बराबर है 9000 के। तो पूछ रहा है शिक्षा पर खर्च कितना होगा, तो शिक्षा पे खर्च कितना है 18% है। तो 18% कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो आपने बचपन में एक चीज़ पढ़ा होगा, स्कूल में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता था, यदि 10 दर्जन केले का मूल्य 100 रुपये है तो 15 दर्जन केले का मूल्य बताइए। तो आप कैसे करते थे, सबसे पहले एक दर्जन केले का मूल्य आप निकाल लेते थे और उसके बाद उससे 15 से गुणा कर देते थे, ऐसे करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या दिया है, जो 30% है वो किसके बराबर है 9000 के, तो 18% किसके बराबर होगा, यही तो पूछ रहा है ना। तो कैसे करेंगे, 30% को मान लेना है किसके बराबर 9000 के, 30% 9000 के, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 30% किसके बराबर है 9000 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% हो जाएगा 9000 बटा 30, 9000 बटा 30 कितना हो गया 1% के बराबर। तो पूछ क्या रहा है, शिक्षा पर खर्च, तो शिक्षा पे खर्च कितना है 18%, तो 18% यहाँ से निकाल देते हैं, 18% कैसे हो जाएगा, क्या करेंगे, जो इतना निकालें 9000 बटा 30 गुणे 18, इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 5400, इसको सॉल्व करेंगे तो 5400 आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण डिग्री में है। चलिए इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसलिए ना इसीलिए ज़रूरी था, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर परसेंटेज पे दिया हो पाई चार्ट की वैल्यू तो उसको डिग्री में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन में भी पूछता है, और यदि कभी कभी डिग्री में दिया होता है उसको परसेंटेज में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। एनीवेज तो इसको डिग्री में किसको कन्वर्ट करना है, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र, तो ईंधन में कितना खर्च है 15%, तो 15% को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैंने बताया था 15 को 15 लिख देना है, 15 बटा, ये परसेंट है, इसमें टोटल कितना परसेंट बनेगा, अगर पाई चार्ट के अंतर्गत इसके अंदर कितने परसेंट बनेंगे, 100% होगा ना, परसेंट अपने आप में 100% होता है, पूर्ण होता है, तो 100 नीचे लिखेंगे इसका, 100 टोटल, अगर टोटल इन सबको जोड़ेंगे ना, ये सारे जो दिए हैं 30% 5% 15% 18 12 20, सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 गुणे इसमें कन्वर्ट किस, मतलब इसको वैल्यू किस में चाहिए, पर डिग्री में, तो डिग्री मतलब 360, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें डिग्री पूछे तो 360 याद रखिएगा और परसेंटेज पूछे तो 100 याद कीजिएगा इसका पूर्णांक। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट हो गया, 2 बार में, इधर 3 बार में, 2 बार में 18 18 3 54, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54 54, किसमें ऑप्शन बी राइट, ये हो गया 97। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ईंधन पर खर्च 3000 है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च है। अच्छा ईंधन पर खर्च 3000 है, ईंधन पर खर्च कितना है 3000, तो ईंधन कितना है 15%, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 15% किसके बराबर है 3000 के, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 15%
इक्वल टू कितना 3000 के, 15% किसके बराबर है 3000 के, तो 1% कितना होगा इसका 3000 बटा 15। तो पूछ क्या रहा है, मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर, मकान किराया कितना है इसका 20% और शिक्षा खर्च कितना है 18%, इन दोनों को छोड़कर, तो अगर इन दोनों को छोड़ देंगे 20 और 18 कितना हुआ 38 और टोटल कितना है 100, इसमें 100 ही होगा ना कुल, अगर यही एंगल में वैल्यू दी होती डिग्री में तो इसका टोटल पूर्णांक कितना होता है 360, लेकिन ये परसेंटेज में दिए, परसेंटेज का पूर्णांक कितना होता है 100, ऐसा मान के चलिए आप, यही होता है। तो इसकी वैल्यू 38, इसको छोड़कर बोल रहा है टोटल कितना खर्च हुआ, तो मैंने अभी बताया था अगर एक का आपने फाइंड आउट कर लिया तो ये तो 38 हो गया, 100 में से 38 घटा दें कितना बचा 100 माइनस 38 कितना होता है 62, तो आपको 62% का ज्ञात करना है ना, तो अभी हमने 1% का निकाला था, कैसे निकाला था 15% किसके बराबर था 3000 के, तो 1% कितना बराबर था, कितना हो जाता 3000 बटा 15, तो 62% कितना का हो जाता 62% हो जाएगा 3000 बटा 15 गुणे यहाँ पे नहीं ऊपर यहाँ पे होगा 62। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 12400, सॉल्व करके देखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा 12400, यही आएगा सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, यदि भोजन पर खर्च का प्रतिशत, वस्त्र शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशतता का x परसेंट है, तो x किसके बराबर है। अच्छा, भोजन पे खर्च का प्रतिशत, तो भोजन पे खर्च कितना है, तो भोजन पे खर्च कितना है 30%, जो 30% है क्या कर रहा है, भोजन पर खर्च का, खर्च की प्रतिशतता वस्त्र शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल, तो अच्छा वस्त्र कहाँ पे है, वस्त्र 12%, वस्त्र शिक्षा और ईंधन तीनों इसकी कुल प्रतिशतता का x परसेंट है, जो इसका परसेंटेज है 30 का, तो ऐसे लिख सकते हैं 30 का जो परसेंट है इक्वल टू किसके बराबर है इन तीनों के, तीनों का x परसेंट है, तो तीनों कितना, तीनों का योग कितना हो जाएगा 12 18 और 15, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 18 कितना हो गया 30, 30 और 15 मतलब 45%, तो 45% का x परसेंट, 45 का मतलब गुणा x परसेंट, परसेंट को 100 से डिनोट करते हैं 100, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू किस, क्या हो जाएगी, इसको इधर लेके जाइए तो 30 गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पे 30 गुणे 100 और ये अगर इधर आएगा तो बटा 45 हो जाएगा 45, तो इसको सॉल्व करिएगा आंसर आपका फटाफट आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक 66 सही 2/3, आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3 सॉल्व करेंगे तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, मकान किराया वस्त्र और ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता, क्या बोल रहा है, मकान किराया कितना 20%, ओके वस्त्र कितना है 12% और ईंधन खर्च कितना है 15%, इस टोटल इनका जो है प्रतिशतता भोजन पे खर्च की प्रतिशतता से कितना अधिक है, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 20 12 कितना हो गया 20 12 32 और 15 कितना हो गया 47, इसका योग हो गया 47, इसका योग हो गया 47, ये 47 हो गया, पूछ रहा है भोजन पर खर्च का, खर्च की प्रतिशतता से कितना अधिक है, भोजन पे खर्च कितना है 30%, तो इससे कितना ज़्यादा है 47, 30 से कितना ज़्यादा है 17, 47 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17, इसका आंसर कहाँ पे है ऑप्शन बी हो जाएगा 100 का, क्या ऑप्शन बी, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे हमने 5 प्रश्नों के आंसर दे दिए, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट जो पाई चार्ट है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी पाई चार्ट दिया हुआ है, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है, निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है, इस चार्ट के आधार पर प्रश्नों के आंसर दीजिए, ये चार्ट दिया है पाई चार्ट, देखिए यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो डिग्री में है,
मतलब इसका पूर्णांक कितना होगा, सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अगर यही परसेंटेज में होता है तो इसका टोटल पूर्णांक 100% होता है। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग डायरेक्टली। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या बोल रहा है, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो टोटल संख्या कितनी है विद्यालय में छात्रों की, 2160। उसमें से कार कितने आते हैं, कार से अब देखिए टोटल अब पता करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। तो बाकी सब दिया है, 80 + 90 + 120 कितना हुआ, 80, 90, 170 और 170 और 120 290। तो 360 में से 290 अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 07, मतलब 70 डिग्री, जो कि वैल्यू है कार की। मतलब कार से कितने बच्चे आ रहे हैं, 70 डिग्री। ये चीज़ याद रखिएगा, डिग्री है ना कि परसेंटेज है। अगर परसेंटेज होता तो डायरेक्टली 2160 का 70% निकाल सकते थे, लेकिन ये जो कार की वैल्यू आई है 70, वो डिग्री में है। क्या 70 अंश में आई वैल्यू। या तो अब इसको निकालने के लिए कुल संख्या जो बच्चों की कुल संख्या जो कार से आते हैं, इसको निकालने के लिए या तो 70 डिग्री को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 70/360 × 100। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसका हम करेंगे 2160 में से 2160 का जो वैल्यू आएगी, इसका 2160 गुणे वो वैल्यू, जैसे वो वैल्यू x आ गई तो x/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसका आंसर आएगा। आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है 420। तो 420 ऐसे छात्र हैं जो कार से विद्यालय आते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र कितने हैं, 70 डिग्री। ये वाला कितना आया था अभी हमने निकाला था, 70 डिग्री। और बस द्वारा कितना आ रहे हैं, 90 डिग्री। तीन का अनुपात आपको बताना है, तो 70 और 90 का अनुपात हो जाएगा 70:90। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7:9 आंसर है, 7:9। इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपको पता होगा अनुपात में एक रूल होता है, अनुपात के दोनों जो टर्म्स होते हैं दोनों को किसी एक संख्या से गुणा किया जाए और या फिर किसी एक संख्या से ही भाग दिया जाए तो उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे 7:9 है, अगर दोनों संख्या से और दोनों संख्या में किसी एक संख्या से, जैसे 7 से अगर गुणा कर दिया जाए 2 में और 9 से भी 2 में गुणा कर दिया जाए तो वैल्यू आएगी सेम ही आएगी। तो वैसे ही 7:9 जो वैल्यू आई है, 7:9 इसको देखिए, सपोज इससे 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा 18। तो 18 ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं। 3 से अगर सपोज इससे गुणा कर दिया 7 × 21 संबंधे 9 से अगर 3 में गुणा कर दिया 9 × 3 = 27 21 × 27 ये ऑप्शन में है। हाँ देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 21 × 27। ये अनुपात का नियम होता है, किसी एक संख्या से अगर दोनों टर्म में हम गुणा या भाग देंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो अनुपात की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 98 क्या, अगला कौन सा है, पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आपको बताना है पैदल चलकर या फिर बस द्वारा। तो पैदल चल के कितने आ रहे हैं, 80 डिग्री, और बस से कितने छात्र आ रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है, पैदल चलकर या फिर बस द्वारा विद्यालय में विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन सामने हैं, चलिए बताइए कैसे, या नहीं और होना चाहिए, पैदल चलकर प्लस बस द्वारा चलकर। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 80 + 90 कितना हो गया, 170 + डिग्री। ये ऐसे हैं जो दोनों मिला के, मतलब पैदल चलकर कितने आ रहे हैं, 80 डिग्री, और बस से कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री। दोनों का छात्रों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 170 डिग्री। इसी को निकालना है, 170 डिग्री कैसे निकालेंगे, 2160 का। ये भी इसमें भी वही करेंगे, 2160 का 170 डिग्री कैसे निकालेंगे, या तो 170 डिग्री को परसेंटेज में अगर आप चेंज कर दो तो जो परसेंट आया अब उसका, उसको क्या करना है, 2160 का उतना परसेंट। मान लो एक्स वैल्यू कितनी आ जा रही है, एक्स वैल्यू 170 का, अगर आप, मैंने बताया था शुरू में ही कैसे डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं,
या फिर दूसरा ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो 170 है 170 का आप डिवाइड कर दो 360 से और डायरेक्टली आप 2160 से गुणा कर दो। इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1020, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा अगर सॉल्व करोगे तो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 99, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं, जो रेल द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं, मतलब आते कितने हैं 120 डिग्री, तो बाकी के जो हैं वो सभी रेल से थोड़ी आते हैं। तो अगर 360 टोटल कितना है 360 डिग्री, 360 में से 120 अगर आप माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा 140। तो जो 140 डिग्री छात्र हैं वो रेल से नहीं आते, तो 140 डिग्री को कैसे निकालेंगे, 140 बटा 360 गुणे 2160, इसको सॉल्व कर दो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1440, जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका आंसर आ जाएगा। राइट, और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 100, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है, तो बस से कितना आ रहे हैं 90 और पैदल कितना आ रहे हैं 80, तो कितनी ज़्यादा हो जाएगी, विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है, तो कितने लोग ज़्यादा आ रहे हैं 10 लोग, ये 90 आ रहे हैं और ये 80 आ रहे हैं, तो टोटल कितने आ रहे हैं 10 डिग्री लोग, लेकिन इसमें परसेंटेज में पूछ रहा है, अब यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डिग्री को परसेंटेज में, तो डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मैंने फॉर्मूला बताया था, 10 बट्टा 360 चाहिए किसमें, डिग्री में ना, बट गुणे 100, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12.5% जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 12.5%, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस प्रकार हमने सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, प्लस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।